सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में 15 साल पहले दो साधियों के साथ रेप की खबर छापने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बलात्कारी बाबा राम रहीम सिंह के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। अंशुल ने बताया कि वकील से पत्रकार बने उनके पिता रामचंद्र ने कई मीडिया संस्थानों में काम किया। हालांकि मीडिया संस्थानों में रहकर उनको खुलकर लिखने की आज़ादी नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पूरा सच नाम से अपना अखबार निकाला और फिर डेरा सच्चा सौदा में दो साध्वियों के साथ रेप की घटना को खुलकर बताया। लिहाजा इसमें साध्वी की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भेजी गई चिट्ठी को भी प्रकाशित किया। इस खबर के छपने के कुछ दिन बाद रामचंद्र को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। उनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 28 दिन बाद उनकी मौत हो गई। अंशुल ने बताया कि रेप की खबर प्रकाशित करने के बाद उनके पिता को कई बार निशाना बनाया गया। हाई कोर्ट ने रेप मामले में संज्ञान लेते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद 24 अक्टूबर 2002 को दो हमलावरों ने उनके पिता को गोली मार दी। वह 28 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस के सामने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर आरोप भी लगाए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं किया। पुलिस ने उनके पिता का लिखित बयान तक दर्ज नहीं किया। इसके बाद उन्होंने रामचंद्र की मौत सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की। साल 2014 में मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, जिसको डेरा सच्चा सौदा ने चुनौती दी। सीबीआई पर दबाव डाला गया। अंशुल ने कहा कि हम पर भी मामले को वापस लेने के लिए दबाव बनाए गए। उन्होंने कहा कि बाबा संत के भेष में अपराधी है। अब अंशुल की कानूनी लड़ाई पंचकुला के उसी सीबीआई अदालत में आखिरी चरण पर पहुंच गई है, जिसने 25 अगस्त को रेप मामले में बाबा राम रहीम को दोषी ठहराया है। बाकी की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।